हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पीसी या लैपटॉप की जो लॉक होता है वो कितने टाइम पे लगता है और उसे चेंज कैसे कर सकते हो। आप उसमें टाइमिंग चेंज कैसे कर सकते हो कि आपका जो लॉक है वो 1 मिनट ना लग के 10 मिनट बाद लगे, आधे घंटे बाद लगे या ना लगे, तो कैसे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको विंडो में जाना है और ओपन कर लेना है कंट्रोल पैनल। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा हार्डवेयर एंड साउंड। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा पावर ऑप्शन। आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकेंगे यहाँ पे बैलेंस रिकमेंडेड, तो आपको इसी के सामने दिखाई दे जाएगा चेंज प्लान सेटिंग। आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा टर्न ऑफ द डिस्प्ले। आप यहाँ से जो मर्जी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर दूसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा पुट द कंप्यूटर स्लीप, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो मर्जी रखना चाहते हैं रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे 20 मिनट कर देता हूँ और यहाँ पे भी 20 मिनट कर देता हूँ। फिर आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और अब 20-20 मिनट की सेटिंग हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।